हम कह रहे हैं कमल नहीं आएगा ना साइकिल आएगा, कीचड़ फैल जाएगा कमल आएगा तो कीचड़ फैलेगा। वो तो कफ्ता पहन गया था भाइयों बहनों, वो तो ढोंगी है, वो योगी ढोंगी है भैया, उनने कुछ काम नहीं करा, जिंदगी खराब कर दी। पंचर साइकिल बिल्कुल पंचर, देखिए उड़ रही है, वो पैक होके आया था खाना। मैम आपको बिल्कुल पता नहीं है, वो सब दिखावा चला है कि दलितों का वोट लेने के लिए, मगर दलित भी अब योगी के झांसे में आने वाले। दिखावा बहुत सारे सैनिटाइजर से हाथ धो के ना उन्होंने होटल से खाना मंगा के वो पब्लिक को एक दिखाने के लिए खाली एक नहीं वो खाना होटल से मंगाया था मैम, वो खाना जो है प्लेट जो आई थी वो होटल से। विधानसभा है, सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो क्या लगता है आपको? हमको मैडम यहाँ लगता है कि यहाँ तो ओबीसी साहब का जादू चल चुका है शहीद नगर पर। तो अच्छा ओबीसी जी का जादू चल चुका है? जादू चल चुका है। ओबीसी जी ने क्या काम किया यूपी में बता दीजिए। ओबीसी साहब ने काम नहीं किया, काम करने वाले हैं मैडम। अच्छा मतलब जिन्होंने काम किया आपको किस बात का मैम, क्या दिया है किसने, हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है? तो ओबीसी जी ने क्या दिया? ओबीसी साहब तो देने वाले हैं इंशाल्लाह। ओबीसी साहब दलित वंचित पिछड़ा वर्ग जितना भी मजलूम वर्ग है सबकी आवाज बनते हैं, सबकी आवाज को उठाने का काम पार्लियामेंट में अंदर ओबीसी साहब करते हैं, बाकी अदर समाज नहीं करता। नहीं 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 कोई नहीं, दलित मजलूम वंचित समाज जो है जिनकी आवाज उठाते हैं वो ओबीसी साहब है, अमित कोई नहीं। गोरखपुर में खाना खाने गए दलित के घर में, अच्छी बात है। कहाँ खाया? दिखावा मैम, दिखावा बहुत सारे सैनिटाइजर से हाथ धो के ना उन्होंने होटल से खाना मंगा के वो पब्लिक को एक दिखाने के लिए खाली एक नहीं वो खाना होटल से मंगाया था मैम, वो खाना जो है प्लेट जो आई थी वो होटल से आई थी। अच्छा हाँ होटल से आई थी, वो पैक होके आया था खाना। मैम आपको बिल्कुल पता नहीं है, वो सब दिखावा चल रहा है कि दलितों का वोट लेने के लिए, मगर दलित भी अब योगी के झांसे में आने वाला नहीं है मैम। हाँ वो भी साहब के झांसे में आ गया। अच्छा ओबीसी जी के झांसे में आ गए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब बात सच्चाई की जनता की, जहाँ संविधान का मामला आता है ओबीसी साहब संविधान से जो संविधान का जो सेकुलर है उसकी बात करते हैं, राजनीति सेकुलर की बात नहीं करते, ये लोग राजनीति सेकुलर की बात करते हैं। ओबीसी जी भी तो सेकुलर की बात नहीं 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 संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उन्होंने संविधान की नहीं नहीं नहीं। देखो अब तक सात टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो सारे गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू भाई हैं हमारे, सात टिकट अब तक डिक्लेयर कर चुके हैं। और हम देखो उनका नहीं मैम, अगर हिंदू की बात नहीं करते तो पंडित जी को टिकट दियो दिया आपको दिख रहा है ना, अगर हिंदू की बात नहीं करते तो टिकट क्यों देते? कम से कम 20 टिकट हिंदुओं को दे रहे हैं ओबीसी साहब यूपी के अंदर। नहीं 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 मैम, नहीं 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 मैम, नहीं नहीं, वो कहते हैं हिंदू एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ओबीसी साहब का कहना सबका साथ सबका विकास, सबका कहीं नहीं है, कहीं विकास नहीं है, मनीष अभियान वाल्मीकि का बलात्कार हो जाता है। उस विकास को देखने की तमन्ना हमारी, उस विकास को 15-16 साल का तो हो गया होगा ना, उस विकास को देखने की तमन्ना आप एक बार दिखाना जरूर। वो ऐसी आया यहाँ पे जी, क्यों आएगा बस, क्यों पतंग आएगी यहाँ पे, पतंग क्यों आएगी साइकिल, अरे आएगी हम कह रहे हैं कमल नहीं आएगा ना साइकिल आएगा, कीचड़ फैल जाएगा कमल आएगा तो साइकिल बिल्कुल पंचर, देखिए उड़ रही है अंदर। हमारे सात विधानसभा है, एक सीट पर भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, और देवबंद की एक सीट है उस पे कार्तिक पांडे का टिकट हो गया था, जब मजलिस ने मसूद का टिकट दे दिया तो इन्होंने मावी अली को दोबारा दिया टिकट, दोबारा दे दिया। आज मुसलमान सपा बसपा का जो सपा बसपा जो पार्टी है उन्होंने मुसलमान को अछूत बना दिया, दो एम दर्जे का शहरी बना दिया। लेकिन अभी तुमने कहा पतंग उड़ेगी, पतंग हवा के साथ उड़ती है, हवा बंद तो पतंग नीचे, हवा बंद काहे को होगी, काहे को होगी हवा बंद, पतंग उड़ेगी। क्या कह रहे हैं हम कूलर चलवा देंगे पतंग हवा में उड़ेगी, कूलर चलवाएंगे तो पतंग हवा में खुद उड़ेगी। पार्टी तो कई है ना, कमल है साइकिल है, कमल नहीं आएगा पतंग आएगी, पतंग पतंग। अच्छा पतंग ही आएगी जी, पतंग आएगी, यहाँ पे थे जो कह रहे थे आएगी तो सपा आएगी, नहीं पतंग तो पंचर हो गए, सपा तो सपा है, सपा तो सफा है, सफा हो गई सपा, सफा हो गई सफा का कोई जिम्मेदार नहीं है, ना ना कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं आज भाजपा की टक्कर, आज भाजपा की टक्कर है तो मजलिस से आज अगर भाजपा की किसी से टक्कर है तो मजलिस से। पहले बात सुनो, लोग कहते हैं ओबीसी जी है
देखिए जहाँ तक हैदराबाद का मामला है, आप वहाँ जाकर कंडीशन देखिए। सेकंड नंबर पे वहाँ का जो डिप्टी सीएम है मुसलमान होता, मैटरनिटी होम बना रखे हैं उन्होंने, जहाँ 10-20 रुपए की डिलीवरी होती है उनका पानी का, उनका सिस्टम इतना बेहतरीन है कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। लेकिन आपसे पूछूं, लोग कहते हैं उवैसी जी हैदराबाद से और हार के हैदराबाद चले। अरे हार के नहीं, कब्जे कर लेंगे, क्या बात करें, जीत गए वो। अरे हमने पहले जीता दिया उन्हें, अरे जीत गए वो, जीत गए, अरे पतंग उड़ा रहे हैं, जीत गए वो। वो तो ढोंगी है, वो तो ढोंगी है, वो योगी ढोंगी है भैया। उनने कुछ काम नहीं करा, जिंदगी खराब कर दी, हमारे स्कूल सब बंद कर दी उनने। अरे अखिलेश ने काम करा, हम उससे जितवाएंगे ना अपने उपवैसी को। क्यों जितवाएंगे, अरे उनकी बाबा जो पावर है। अच्छा बस पावर है। हाँ और काम बहुत काम कर रहे हैं पूरे लॉकडाउन में, जितने भी हैदराबाद के गरीब झुग्गी है ना, यूपी की, हाँ यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो जो गरीब है ना, उन्होंने सब कारोबार करी है उन्होंने। बस ऑटो जो अपने घर से बाहर है सबको उन्होंने घर पहुँचाया है। और इन्होंने क्या करा, उन्होंने मेट्रो सब मेट्रो छोड़ो, जो बेचारे रोड पर चल रहे उन्हें साइकिल तक नहीं थी, वो साइकिल पहनते वो खागा सब बंद कर रहा है। सरकार की तरफ से पैसा आया योगी जी के पास, उन्होंने क्या करा, दंगा करवा दिया जी, ये मुसलमानों ने करवा दिया। क्या करवा रहा, बॉर्डर पे वोट, अरे बिहार की लड़ाई ने करवाई, योगी ने करवाई, पंजाब ले। अभी जो किसान आंदोलन में, अभी 700 किसान आंदोलन में मरे हैं, किसके वजह से मरे हैं वो आप बताओ, किसकी वजह से मरे हैं, योगी की वजह से मरे हैं। अच्छा योगी जी की वजह, हाँ जी उनकी। सरकार के पास कोई डाटा नहीं है उस चीज का, क्यों डाटा नहीं है, क्या बात करो, डाटा नहीं है आप। एनसीआर की लड़ाई थी, किसकी वजह से, मतलब वो सोच रहे हैं योगी की वजह से हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, वो अरे ढोंगी है वो तो खर्चा पहन का आता। भाइयों बहनों हिंदू की बात करते हैं, हम ही नहीं करें हिंदू मुस्लिम, जो राम को लाए हैं। अरे सीता को भी ले आओ, हमें क्या मतलब, जहाँ तक राम का है, एक मिनट रामलला का जहाँ तक मामला है, वो जो आस्था का मामला है वो आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। रामलला का कोई मामला नहीं है, रामलला के जो भाजपा के जो विधायक है वो जमीन बेच रहे हैं, खा रहे हैं, रामलला के लिए तो भड़का हुआ है खाली। लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ना ना ना, वो राम को कहाँ ला रहे हैं, वो राम के नाम पे सीता को लेंगे तो भी कुछ ना कर पाएंगे, कहीं पहाड़ के नीचे भी तो प्रचार करने आ रहे हैं। प्रचार देखियो के टमाटर पड़ेंगे, दो ट्रक मंगा रखे टमाटर पहले से। हाँ ये बच्चे देख रहे हैं कि जिंदगी खराब कर दी लॉकडाउन में इन्होंने, स्कूल बंद करवा दिए, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। अरे बन गए एक पाकिस्तान मंजर बनाने की सोच रहे हैं, लाल किला बेच के खा गए। तो देखा आपने, ये थी साहिबाबाद विधानसभा, जहाँ पे वहाँ की जनता का क्या कहना है। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म।